सनातन धर्म में देवी छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या के रूप में जाना जाता है। देवी को प्रचंड चंडिका या छिन्नमस्तिका और माँ चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छिन्नमस्ता माता देवी काली का ही एक अद्वितीय अवतार है, क्योंकि उन्हें जीवन हरने वाली के साथ साथ जीवन दाता भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त देवी छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना करते हैं, उनको सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है और भक्तों की आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। सनातन पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माँ छिन्नमस्ता की जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा जी की जयंती भी मनाई जाती है। इस वर्ष यह दोनों पर्व 25 मई 2021 को मनाए जाएंगे। छिन्नमस्ता जयंती के शुभ दिन भक्त देवी छिन्नमस्तिका की पूजा और आराधना करते हैं। इस दिन छोटी कन्याओं की भी पूजा की जाती है, उन्हें देवी का अवतार माना जाता है। साथ ही मंदिरों में भजन कीर्तन और जागरण आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं देवी छिन्नमस्तिका की पूजा विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात देवी छिन्नमस्ता के चित्र की स्थापना करें और देवी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और उन्हें फूल नारियल और माला आदि अर्पित करें एवं उसके बाद देवी की आरती करें और कठोर मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन भक्त कठोर उपवास भी करते हैं। देवी के दिव्य आशीर्वाद को पाने के लिए भक्त छिन्नमस्ता जयंती के दिन दान और पुण्य के भी कई कार्य करते हैं। पुराणों में देवी की उत्पत्ति से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं, उनमें से एक यह भी है। देवी के इस रूप के विषय में कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मार्कंड पुराण में शिव पुराण में देवी के इस रूप का विशद वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया था, दैत्यों को परास्त करके देवों को विजय दिलवाई तो चारों ओर उनका जयघोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए माँ ने अपना मस्तक काट कर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती अपनी दो योगिनियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी, लेकिन स्नान के दौरान देवी पार्वती ने समय की ओर ध्यान ही नहीं दिया और बहुत प्रतीक्षा के बाद उनकी योगिनियों को भूख लगने लगी। भूख की पीड़ा से उनका रंग काला हो गया। तब उन्होंने भोजन के लिए माँ पार्वती से कुछ मांगा, लेकिन माँ भवानी ने कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा, किंतु वह बार बार भोजन के लिए हट करने लगी। तत्पश्चात योगिनियों ने नम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती है। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने अपनी खड़क से अपना ही सर काट दिया और कटा हुआ सर उनके बाएं हाथ में आ गिरा, जहां से 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिन्हें पान कर दोनों तृप्त हो गई। 3री धारा जो ऊपर की ओर बह रही थी उसे देवी स्वयं पान करने लगी और तभी से उन्हें छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारा जाने लगा। माना जाता है कि जहां भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है, वहां पर चारों ओर भगवान शिव का भी स्थान होता है। देवी छिन्नमस्तिका का तेज और प्रताप पुराणों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। जितनी वह दुष्टों की संहारक है, उतनी ही अपने भक्तों के लिए दयालु भी है। देवी की साधना जिस भाव से की जाए, वैसी रूप में दर्शन देती है। फिर चाहे वह शांत भाव हो या रौद्र, और उसका परिणाम भी
उसी के अनुरूप होता है। माँ की कृपा तुल्य आशीर्वाद सबको अवश्य मिले। जय हो माँ छिन्न मस्तिका की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।